हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आर्यन एंड टुडे इज़ दी डे। टुडे मी एंड चैतन्य आर लिविंग फॉर द लॉन्गेस्ट राइड ऑफ आवर लाइफ अभी तक। और द फर्स्ट स्टॉप फॉर टुडे विल बी वडोदरा। मैं वॉइस ओवर अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंट्रो के टाइम में मेरा माइक चलना बंद हो गया था फॉर सम अपेरेंट रीज़न। ये वॉइस ओवर आपको हर एक इंट्रो में तो मिलेगा ही मेरा, बिकॉज फॉर सम अपेरेंट रीज़न माई माइक डिसाइडेड दैट इट वोंट वर्क ड्यूरिंग द इंट्रोज ऑफ द वीडियोज। सो वेन एवर आई एम लिविंग फ्रॉम अ सर्टन प्लेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल वेन आई लेफ्ट फ्रॉम वडोदरा, आई गेस द माइक वॉज इंट वर्किंग। सो उसमें भी शायद आपको मेरा वॉइस ओवर मिलेगा, बट दैट्स इट। बाकी के टाइम पे मोस्टली क्लिप्स में ऑडियो अच्छे से आया है। एंड या सो इट इज़ डे वन। हम लोग खारघर से निकल रहे हैं एंड आई नो वी आर लिविंग एट अ वेरी ऑड टाइम। इट्स अराउंड टू, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट वॉज अराउंड टू व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम खारघर। बट वो इसलिए हुआ क्योंकि चैतन्य का एग्ज़ाम था दिन को 12 बजे तक, तो हम तो वहाँ पे लेट हो गए। और फिर उसके बाद सामान वामान बांधने में, पेट्रोल वगैरह भराने में, ये सब करने में और लेट हो गए, इसलिए अब हम 2 बजे निकल रहे हैं। काफ़ी और टाइम है। खारघर से वडोदरा इज़ अराउंड 420 किलोमीटर्स। गूगल से इट विल टेक अस अराउंड 7 to 8 आवर्स। दिन दहाड़े निकलना है हमें एकदम भरी धूप में। बट अच्छा है कि धूप वगैरह निकली हुई है, बारिश होती तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाता। धूप निकली है, अच्छा है, वो धूप तो सहन हो जाएगी चलते हुए, ज़्यादा धूप लगती नहीं है। 4:30 बज रहे और हम अभी फाउंटेन होटल पहुँचे हैं। बहुत ट्रैफिक था, बहुत गलत टाइम पे निकले हम लोग, बहुत ट्रैफिक था और बीच में प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही थी। मेरा बैग और चट्टू का, मेरे जो रोप्स हैं जिससे मैंने अपने बैग्स बांधे हुए हैं, वो बार बार खुल रहे थे। फिर उसके लिए हम लोग 3-4 बार रुके हैं। चैतन्य का भी जो बैग है वो राइट को देखो, आप देख सकते हो अभी भी राइट को बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हमें बार बार रुक के वो एडजस्ट करना पड़ रहा है। रास्ते में हम एक जगह पे रुके, वहाँ पे एक भगवान के रूप में हमें एक अंकल मिले, उन्होंने जो मेरे बैग को टाइट बांध के दिया है, अब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है अब वो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी करके दे दी उन्होंने, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई हमारे साथ। अभी ये फाउंटेन होटल के यहाँ पे जो सिग्नल है, बस इधर ट्रैफिक लगेगा हमें, और तो फिर मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए बीच में। हमारा एस्टिमेटेड अराइवल टाइम इज़ 11:30 अकॉर्डिंग टू गूगल। फाइनली हम लोग ये ट्रैफिक से बाहर निकले हैं, अभी सीधा हाईवे वडोदरा तक देखते हैं। ट्रैफिक में जो फर्स्ट गियर के ऊपर गाड़ी उठी ही नहीं, इंजन इतना गर्म हो गया था। इसका इंजन कभी इतना गर्म नहीं हुआ है जितना आज हुआ है। मेरे को मेरे टांगों पे हीट फील हो रहा था, बहुत बुरा ट्रैफिक था। ट्रैफिक क्यों? क्योंकि ख़राब सड़कें। इट्स 6:00 इन द इवनिंग राइट नाउ एंड वी आर 345 किलोमीटर अवे फ्रॉम आर डेस्टिनेशन। तो आज तो हम रात को ही पहुंचने वाले हैं, काफ़ी रात हुआ एक्चुअली, 12 बजे गूगल बता रहा है, आई गेस वी विल रीच बाय 11। बट फिर भी काफ़ी लेट है वो, हमें रात को राइड करना नहीं था बट साला आज करना ही पड़ेगा, काफ़ी लेट हो गया आज हम निकलने। ये सीधा हाईवे ही है तो आई गेस ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। हमने पीछे अपने बैग्स, हमने सैडल बैग्स वगैरह कुछ लिए नहीं है, हमने हाइकर्स बैग या फिर रक्सैक जो होता है ना, उसको हमने नायलॉन की रस्सियों से बांध दिया है, तो बैक सीट पे वो बांध रखे हैं, तो इतना बढ़िया बैक रेस्ट मिल रहा है ना, पीठ मतलब एकदम सीधी रह रही है, तो उससे और ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। क्या मस्त लग रहा है बादल। प्लीज़ बारिश नहीं, फिर से रुक के रेन गियर नहीं पहन दे, प्लीज़ बारिश नहीं।
पहन रहे जाने की पहन रहे बोल पता। पहन लेते आगे काले बादल है। मस्त रास्ते है, मौसम मस्त है, मस्त बढ़िया हवा चली हुई है। थोड़ा सा बीच में बारिश आ गई थी तो मैं भीग गया था, काफ़ी बारिश आ गई थी तो हल्का सा भीग गया हूँ, ज़्यादा नहीं जीन्स मतलब। ऊपर तो मैंने अपना रेनकोट पहन लिया था बट नीचे मेरे को तो नीचे पहनने में आलस आ रहा था तो मैंने नीचे पहना नहीं। थोड़ा सा जीन्स भीग गई है, बाकी तो ठीक है, मतलब इतनी भी नहीं भीगी है। अभी हवा चल रही है बढ़िया, सूख रही है, मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है टांगों में, अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऊपर तो रेनकोट पहन लिया जब से, तब से बारिश हुई नहीं जैसे रेनकोट पहना, अब गर्मी भी लग रही है। और जो मैंने अपने ब्लूटूथ हेडसेट लगाया हुआ है इस पे, अपने हेलमेट पे, उसकी राइट वाले की पोजीशन थोड़ी हिल गई है, तो जो कान में दर्द हो रहा है ना गंदा वाला, मुझे उसको अगले स्टॉप पे सही करूँगा। अभी बहुत स्टॉप्स ले लिए और अच्छी, काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है, हम 100-110 आराम से चला रहे हैं। बाइक भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट। वी हैव डन अराउंड 120-130 किलोमीटर्स राइट नाउ, मोर 300 आई गेस, मोर 300 किलोमीटर्स टू गो, तो पहुँचेंगे तो रात को ही। Took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. Now we are entering Gujarat. This is the Gujarat border check post, and we have officially entered Gujarat. Ah, this is the first time I'm crossing a state on a motorcycle. A different feeling for me, definitely. बहुत problems हो रही है, but मज़ा आ रहा है। ऐसा कुछ, we can overcome the problems very easily, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। मेरा वाइज़र बुरी तरह से पता नहीं गंदा हो चुका है, अंदर से भी गंदा हो रखा है, मेरे को आगे दिख नहीं रहा है। जब सामने से लाइट्स आ रही है तो मेरे को आगे देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी वी हैव टू डू मोर 254 किलोमीटर्स एंड गूगल सेज दैट वी रीच बाय 1। देखते हैं, कवर अप करने का ट्राई करेंगे। अभी बैग्स अच्छे से बांध दिए तो बैग्स का तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। मस्त ये होटल में रुके अभी। ट्रैफिक जाम मुंडे हो गया भाई हमारा, कसम से भाई ट्रैफिक जाम मुंडे हो गया भाई। टॉप सीन्स यार, स्टेइंग हियर फॉर द नाइट सीम्स गुड, गुड प्लेस। रूम टूर भी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में, nothing to worry about. Denge denge chatans. Hello, what is up? Lag gayi bhai, late nikle, bahut late nikle bhai. Are yaar, matlab
ऑनेस्टली एक तो ऑक्स लाइट भी खराब हो गई है, वो चल नहीं रही है, उसका लूज कनेक्शन है। मैं तो फटाके कौन फोड़ता है यार, शादी हो रही है यहाँ पे, हमारे तो बंदूकें चलती हैं तो। लेकिन तेरी लाइट्स तो खराब हो गई। लाइट्स खराब हो गई, लूज कनेक्शन है, खराब नहीं हुई है। वो वडोदरा जाके करा देंगे। वही वडोदरा जाके विल फिक्स दैट। अभी अपना ये पूरा एक दिन आगे चला गया सब कुछ। कोई बात नहीं, आते यही तो एडवेंचर है। आते कर लेंगे।